दोस्तों, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी का खबर दुनिया भर के फनकारों के सर पर सवार है और वो अपने जिस आर्ज को जिस अंदाज में पेश करना चाहते हैं बनवा लेते हैं। कुछ पाकिस्तानी और इंडियन फनकार भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मसनूई हुसन पाने की कोशिश में चंद एक ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा खूबसूरती भी गवा ली है और कुछ ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद खूबसूरत लग रहे हैं। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में आपको उनकी फोटोज दिखाते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी से पहले कैसे लगते थे और प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा कैसे लगता है। आप कमेंट्स बॉक्स में भी हमारे साथ जरूर अपने ख्याल का इजहार कीजिए कि आपको ये कैसे लगते हैं प्लास्टिक सर्जरी से पहले और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद। सबसे पहले हैं फिजा अली। पाकिस्तानी अदाकारा फिजा अली, जिनका चेहरा लंबूतरा होने की वजह से कैमरे के सामने उनकी फेस ब्यूटी मुतासर होती थी। फिजा ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा थोड़ा सा गोल तो लग रहा है, लेकिन शायद वो खूबसूरती नहीं है जो उनके चेहरे में पहले थी। और जब भी वो मेकअप करके सामने आती हैं तो पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें मसनूई हैं। दूसरे नंबर पर हैं सारा लोरेन, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और अपना नाम बनाया है। सारा लोरेन ने भी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कितनी रकम खर्च की है और सर्जरी के बाद उनकी कुदरती खूबसूरती वापस आई है या नहीं, ये आप ही बता सकते हैं। सादिया मान के तवील करियर से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन फिर अचानक ना जाने उन्हें क्या सूझी, उन्होंने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और लगता है कि उन्होंने अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली, जिसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। और सादिया माम एक वक्त हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की जरूरत रही हैं। आमना हक, आमना हक ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जो उनके लिए दिली सदमे का बायस बनी और उनके करियर में तेजी के आने वाले अरूज को गारत कर दिया। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि वो खुदकुशी के मुतल्लिक सोचने लगी, लेकिन उनके शौहर ने उनको उस मौका पर हौसला दिया। आजकल वो अमेरिका में सेटल हैं। अदाकारा नादिया सेन ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद उनका चेहरा उस तरह खूबसूरत लगता नहीं जिस तरह वो पहले दिखाई देती थी। सिदरा बतूल, सिदरा बतूल ने भी अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन उनका चेहरा जैसे प्लास्टिक सर्जरी से पहले क्यूट दिखाई देता था, प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद वो विलन सी लगती हैं। सदफ कंवर, सदफ कंवर ने अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा तजर्बात किए हैं। अपनी नाक, होंठों, गालों और मुंहों को एक साथ सर्जरी उन्होंने करवाई है। वो सोशल मीडिया पर आकर मानती तो नहीं, लेकिन जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उनको पता है कि उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी अपने चेहरे पर लगवाए हुए हैं। इसी तरह सरवत गेलानी, जिन्हें उनके शौहर तो डॉक्टर हैं और प्लास्टिक सर्जरी ही करते हैं, उन्होंने भी अपने चेहरे की सेटिंग वेटिंग करवाई हुई है। और स्पेशली अगर जाहिद खान को देखें तो उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराई है और प्लास्टिक सर्जरी उनके चेहरे पर वाजिया नजर आती है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके सारे ही राज खोल दिए हैं। अब
अभी देखते हैं और कौन कौन से अदाकारों ने प्लास्टर सर्जरी करवाई और इंडिया में किस किस ने प्लास्टर सर्जरी करवाई है। दोस्तों, आप भी इस वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि प्लास्टर सर्जरी के बाद आपको इन फनकारों के चेहरे अच्छे लगते हैं या नहीं अच्छे लगते। मेरी वीडियो देख ली है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि YouTube की नई पॉलिसी के तहत मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।